अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय, क्या मज़ा है इस चाय का समंदर के साथ। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज जबरदस्त मौसम है, काफ़ी सनी डे है, लेकिन आज आखिरी दिन है हमारा यहाँ पर, तो कोशिश है कि आज जो कुछ बचा है वो भी एक्सप्लोर कर लें। We are on the way of Shelly Beach. Nambuka River. Story. हम लोग हैं यहाँ पर और अब हमें जाना है यहाँ Shelly Beach, इधर जाना है। लेट्स सी, बिल्कुल सीधा रूट बना हुआ है वाइट कलर का। बिस्मिल्लाह, इतना लंबा हो गया भाई रास्ता। ये कोई 10 मिनट मैंने इस रास्ते पे वॉक किए तब हम वहाँ दूसरी तरफ पहुँचे। तो ये हमारा आज छठा दिन और मैं जा रही हूँ Shelly Beach, देखते हैं कैसा है। चलो, स्नेक भी मिल सकता है यहाँ पर और ये बीच व्यू है। ब्यूटीफुल, ये माउंटेन मैंने उस तरफ से देखा था और उसके बाद मैं इस तरफ नहीं आई थी। सो नाउ वी आर एट Shelly Beach। सो ब्यूटीफुल, नेचर इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब कहीं आप लोग ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना कि यहाँ मैं आपको लड़की भागती हुई दिखाऊंगी बीच की तरफ। चलें कोई नहीं, इन भाई साहब से ही काम चला लें। उधर भी हम गए थे ऊपर। Oh, this tree has pineapple. Oh no, it's not pineapple. Oh, I got pandanus tree. This one also I see first time. But it's beautiful. It looks like pineapple tree. आज भी जो है ना, हम Shelly Beach आए हुए हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा जल रही हैं क्योंकि मैंने सन ब्लॉक लगाया हुआ और वो मेरी आंखों में चला गया। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे बात करता हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट भी करें। ओके, क्या हाल हो गया मेरी आंखों का, देखा आपने? मैं अभी पर सन ब्लॉक आ गया आंखों के अंदर, पता नहीं कहाँ से, खुलती भी नहीं है मेरी आंखें ये लगाने के बाद।
आज तो लग रहा है मुझे मैं पानी के अंदर नहीं जा सकती। Enjoy the beach side. Oh, this is nice, Shelly beach. Oh, मैं हूँ अपने कैंप के अंदर। मैं सिर्फ यहाँ आराम कर सकती हूँ बस। भाई ने नाका लगाया हुआ है और वो मुझे जाने नहीं दे रहा। शहरी बीच पर यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है और रात में अब हम करेंगे जाने की तैयारी। मेरा चश्मा थोड़ा बड़ा है लेकिन बीच के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, इसने मेरी आंखों को जलने नहीं दिया और सिवाय मेरी आंखों के बाकी पूरा मुंह जो है मेरा काला हो चुका है। तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर और आज शाम से हम पैकिंग करना शुरू कर देंगे और कल नाश्ता करने के बाद हम निकल जाएंगे वापसी के लिए। तो आप लोग अपना फीडबैक देते रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर गाइस मिलेंगे किसी अच्छी सी जगह पे और फिर जाएंगे घूमने और आपके साथ अपनी जो एक्सपीरियंस है मेरा वो शेयर करती रहूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सत श्री अकाल, नमस्ते। अरे नहीं नहीं, ज़रा ठहरे, सुने तो सही, रुके तो सही। आज तो मैं जो कुछ रह गया वो ज़रूर देखूँगी और इस दिन की वीडियो या तो 3 पार्ट में आएगी या 4 पार्ट में आएगी। दिस इज़ एक्चुअली पैंडेनट ट्री, ये बिल्कुल जो है ना वो पाइनएप्पल की तरह लगता है। वी कैन ईट सम ऑफ पैंडेनट फ्रूट एंड सीड्स ऑल्सो। ये ऊपर जो मैंने आपको हट दिखाया था, व्यू पॉइंट बना हुआ था, वहाँ से ये ली गई है। अपनी पोजीशन भी मैंने आपको बताई है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह है बिल्कुल कॉर्नर के बाद, फौरन जो है वो हम लोग यहाँ पर अपना कैंप छोटा सा लगा कर यहाँ बैठे हुए थे। बट ये पट्टी बहुत बड़ी है और आगे जो है वो रॉक्स हैं तो आगे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन ये कि एरियल व्यू से आप चेक कर सकते हैं। सो हम आ रहे हैं वापस शेली बीच से। ये व्यू जो है ना, ये वापस हम अपनी कैंप की तरफ जा रहे हैं। समुंदर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से भी। इसी रूट से मैं वॉक करते हुए शेली बीच गई थी और अब मैं वापस आ रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जनाब, आप भी इंजॉय करें। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करें कि वीडियोस कैसी हैं, किस तरह से बेहतर हो सकती हैं। जस्ट अभी बनाना शुरू किया है मैंने। आई नीड योर सपोर्ट। ओके बाय। ये बैक साइड है जिस रास्ते से हम आए, वो रास्ता हमें यहाँ लेकर आया और अभी हमें कैंप की तरफ लेकर आएगा। ये हमारे कैंप का बैक साइड है। ये जगह पे ज़्यादातर ग्रीनरी है और बस एक ही साइड पर घर बने हुए हैं, यहाँ से रेजिडेंसी शुरू होती है एक्चुअली। मसाला डाला है भाई, लहसुन पेस्ट, अदरक नहीं मिला, अदरक पेस्ट,
यहाँ पे कहीं पे ओके तो वो नहीं जला और अदरक आई थिंक फ्रिज में है नहीं यहाँ नहीं है और ओके और धनिया डाला हुआ है प्याज डालिए आपने फ्राई करके डाली आई थिंक फ्राई दैट्स इट और कुछ नहीं डाला हमने और हम इसको भूनेंगे उसके बाद हम इसमें कोयले का दम लगाएंगे और ज़बरदस्त और जनाब हम आ गए हैं वापस शैली बीच से नहा के और फिर से मैं काली हो चुकी हूँ नहीं लाइव मैंने कल किया था जो है ना उस पे हाय 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 भाई गोश निकल आया और ये पकड़ी कतियाँ ये भी शेफ फायदा पका रही है शेफ पका रही है जब पका रही पूरे कैंप पे ज़्यादातर क्या फायदा ने पकाया आपने क्या क्या डाला था इसमें इसमें पहले तेल में ज़ीरा और ये वाली मिर्च गोल मिर्च होती है ओके इसको थोड़ा पका के बस फिर हल्दी और आलू की पत्तियाँ डाल के उसको फ्राई किया फिर थोड़ी थोड़ी ब्राउन होने लगी तो फिर पानी और टोमेटो पेस्ट डाल के भूना और फिर पानी डाल दिया अब ताकि गल जाए बस उसके बाद धनिया डाल देंगे ऊपर से खा के बताएंगे आपको के खीमे में मिर्चें बहुत हो गई हैं तो सब नहीं खा सकेंगे नहीं तो शाम के लिए रख देंगे और ये बन रहा है बच्चों का सेमोलिना बच्चे खाएंगे ये इट्स लाइक पास्ता जस्ट बॉइल होता है उसके बाद इसमें हनी व्हाट यू ऐड इन दिस टोमेटो सॉस डाली है हमने बस और कुछ भी नहीं डाला नमक डाला है मिर्ची डाली है थोड़ी सी बच्चे तो खाते भी नहीं है हवा यहाँ पर इतनी चल रही है कि बस और अगर धूप में चले जाओ तो बस गर्मी लग रही है आज वैसे हवा ज़्यादा है कैंप पर